नृत्याचारवर्ती कोर्ट अपडेट में दो बजकर बीस मिनट के शार्प कोर्ट अपडेट लेकर हाजिर हुए इस वीडियो के माध्यम से जैसा आप सभी को पता है मित्रों लंच के पहले निदेश सर ने स्टार्ट किया नितेश गुप्ता ने विपक्ष के अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात को रखना प्रारंभ किया और अपना सम्मिशन स्टार्ट किया जो लंच के बाद दो बजे से स्टार्ट हुआ उनका सम्मिशन और उन्होंने दो प्रमुख पॉइंट रखे कि एक बात ये कि सरकार के द्वारा जानबूझकर हाई कट ऑफ रखा गया है दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बीएड अभी छः महीने का कोर्स करेगा तब वो जाके वैलिडेट होगा तो इस आधार पर कि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है सरकार ने अनुचित ढंग से हाई कट ऑफ रखा है तो आप सभी जानते हैं कि बीएड एड छः महीने के बाद ब्रिज कोर्स करेगा तो वैलिडेट होगा नहीं होगा ये सारी चीज़ें एनसीटी को पता है एनसीटी ने सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं सर राज्य सरकार को पता है कंडक्टिंग अथॉरिटी को पता है तो सभी ने अपने हिसाब से सारी क्रियाकलाप की है जैसा निर्देशित किया गया है ना तो संख्या परीक्षा में देखी जाएगी कि कितने लोग अपियर हुए हैं किसने कितने महीने से परीक्षा दी है ये नहीं देखा जाएगा कि छः महीने बाद कौन वैलिड होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट टाइम में परीक्षा के समय देखा जाता है बाद में नहीं देखा जाता है और जितना इतना जितनी देर में इन्होंने ये बात रखी उसके बाद ललित साहब ने खुद बोल दिया कि बी इज़ वैलिड ललित सर उसके बाद ललित सर के तो उड़ने ही थे सीधी और स्पष्ट बात है बी वैलिड है और बी पर बार बार ये लोग गुमराह करके बात ले कर आते हैं है ना कट ऑफ अब सोचिए ये ये बहस कट ऑफ पर चल रही है और घूम फिर कर मुद्दा रहा जाता है बी जिस पर ललित साहब ने एकदम खुद बोल दिया जज होते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि बी वैलिड है तो जितने बी एड अभ्यर्थी हैं वो निश्चिंत रहें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आप वैलिड हैं ये भर्ती प्रक्रिया आपको लेकर पूरी होगी जितने लोग भर्ती परीक्षा में बैठे थे चार लाख दस हज़ार अभ्यर्थी सभी वैलिड हैं इस परीक्षा के लिए बाकी जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया हुआ तय मानक पर वो खड़े उतरे हैं मेरिट में उन्होंने जगह बनाई है वो सभी आगे जाएंगे ही जाएंगे बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए धन्यवाद